नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सपा विधायक के खिलाफ दी गई तहरीर। सुल्तानपुर में सपा विधायक द्वारा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसौली विधायक द्वारा की गई इस टिप्पणी से लोगों में खासा आक्रोश है। इसी टिप्पणी से नाराज इसौली के पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल ये मामला है बीते सोमवार का, जहां समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में इसौली विधानसभा से विधायक अबरार अहमद ने मीडिया के समक्ष एक विवादित बयान दिया था। ब्राह्मण क्षत्रियों के खिलाफ दिए गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। दरअसल विधायक अबरार अहमद ने कहा था कि मुझे ब्राह्मण वोटों की जरूरत नहीं है, जितना वोटों को जरूरत है, मुझे जितना जरूरत है उतना वोट मुझे मिलता रहता है। उन्होंने कहा था कि मुझसे बड़ा क्षत्रिय कौन है, मैं उच्च खानदान से हूँ, जमींदार हूँ। पहले सुनिए विधायक अबरार अहमद का वो बयान जिसको लेकर वे इस समय चर्चा में बने हुए हैं। काय करी जो हम बाबा गाने हम काय करी जी। भाई देखिए जी, अगर वो लोग कहते हैं अरे है एक सरकार का आ गया है, तू के क्या तू भाई द्वार हम तक मान लीजिए, क्या आपको उनकी फोटो की जरूरत नहीं है? मैं कही थी द्वार वोट नहीं चाहिए जी, हमारे पास इतना वोट है हमारा रखा। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है? खुद ही करूँ तो हमें कहीं नहीं, हम तो क्षत्रिय क्यों आप जी, हम खानदान मुझे खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ हैं, ये सारे ये चिकिया छोटा है जी। तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? मैं हमको जिसकी जरूरत मिलता है वो समझा जी, वहाँ पर लेकिन लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं तो नहीं जाइए जी, अब नहीं चला जाट वन ब्राह्मण जरूर मिलने जी, लाला तो हम तो बताए बिहार से पावन अपने गाँव में जी, धन्यवाद। वहीं सपा विधायक अबरार अहमद के बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसौली से पूर्व भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी ने सपा विधायक के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी ने कहा कि विधायक अबरार अहमद में जातिगत विद्वेष के आधार पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ ये बयान दिया है, जिसको लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज बेहद आक्रोशित है। लिहाजा सपा विधायक अबरार अहमद के FIR लिखने और कार्यवाही लिखने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ओम प्रकाश पांडे बजरंगी मेरा नाम है, मैं निवर्तमान प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी इसौली विधानसभा का हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य केवल ये है कि जो हमारे इसौली विधानसभा के विधायक माननीय अबरार अहमद जी हैं, उन्होंने कल जातिगत विद्वेष के आधार पर ब्राह्मण और क्षत्रियों को एक तरह से गाली दिया है उन्होंने, उसके लिए सारे समाज में एकदम आक्रोश व्याप्त है। और बार बार मेरे पास भी अभी लगातार क्षेत्र से भी जनपद से भी जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं कि जो इस तरह से विधायक जैसे गरिमामयी पद पर रहते हुए इस व्यक्ति ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वो अत्यंत निंदनीय है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दृष्टि से ये बुलाया गया है कि जो समाज में आक्रोश व्याप्त है, समाज को बांटने की जो बात उन्होंने की है, जो इस तरह का उन्माद फैलाने की बात की है, उसी दृष्टि से बुलाया गया। आपके द्वारा क्या? मेरे द्वारा अबरार अहमद जी के खिलाफ FIR लिखने के लिए और वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस को लिखा गया है। वो FIR दर्ज करा करके उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई कराई जाएगी।